दोस्तों, न्यूज़ चैनल्स, वेबसाइट्स एंड न्यूज़पेपर में शेयर मार्केट डेटा की बात की जाती है तो FII एंड DII वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टर्म है जो हमें देखने और सुनने को मिलती है। FII होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड DII होता है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और इस वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। लेकिन इसको अच्छे से समझने के लिए हम पहले बेसिकली समझ लेते हैं मार्केट में कौन कौन से डिफरेंट टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं। स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है उसको हम मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वन इज रिटेल इन्वेस्टर एंड सेकेंड इज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पहले बात करते हैं रिटेल इन्वेस्टर की। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब उन इन्वेस्टर से होता है जो अपने अकाउंट का डिसीजन खुद से लेते हैं, मतलब जो खुद के पैसों को इन्वेस्ट करने के लिए पोर्टफोलियो बनाते हैं कि किस कंपनी में कितना इन्वेस्ट करना है। ये भी हो सकता है कि एक पर्सन 5 से 10 लोगों के अकाउंट संभालता हो, वो भी रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आएगा। कहने का मतलब ये है कि रिटेल इन्वेस्टर के पास स्मॉल अमाउंट होती है। अगर आप डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आप भी रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। चलिए अब बात करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दो टाइप के होते हैं, FII यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, सेकंड DII यानी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। पहले समझते हैं कि FII क्या होता है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो दूसरी कंट्रीज में इन्वेस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कंपनी USA में रजिस्टर्ड है और जब वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगी तो इसे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोला जाएगा। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट किसी भी इकोनॉमी के लिए बहुत बेनिफिशियल होती है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा। FII जनरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करती हैं। FII के इक्विटी में इन्वेस्ट करने से स्टॉक मार्केट में अनयूजुअल एक्टिविटी हो सकती है, क्योंकि इनके पास बड़ी बड़ी अमाउंट होती है। अगर ये सारी इन्वेस्ट कर दें तो शेयर के प्राइसेस में ड्रास्टिक इंपैक्ट आ सकता है, और अगर कंपनी की मेजर होल्डिंग इनके पास चली जाए यानी कि मोर देन 51%, तो इन FII के हाथ में डोमेस्टिक कंपनी का कंट्रोल जा सकता है। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए इस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनी होती हैं कि FII किसी कंपनी में कितना इन्वेस्ट कर सकती हैं। सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, इंडिया में FII किसी कंपनी में उसकी पेड अप कैपिटल का मैक्सिमम 24% तक ही इन्वेस्ट कर सकती हैं। बट अगर शेयर होल्डर की अप्रूवल मिल जाती है तो FII किसी कंपनी की पेड अप कैपिटल का 30% तक भी होल्ड कर सकती हैं। चलिए अब बात करते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो अपनी ही कंट्री की कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी ये बड़ी बड़ी कंपनीज, इन्वेस्टमेंट बैंक्स, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज एटसेट्रा होती हैं। दुनिया के कुछ लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के एग्जाम्पल हैं ब्लैक रॉक, वैनगार्ड एसेट मैनेजमेंट, स्टेट स्ट्रीट ग्लोबल एडवाइजर्स एटसेट्रा। तो बेसिकली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का काम होता है बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट जो कि अलग अलग लोगों से इकट्ठा की गई होती है उसको डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करना। तो उस अमाउंट को इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अगर अपनी ही कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं तो उसको बोलेंगे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और अगर वो फॉरेन की किसी कंपनी में की जाएगी तो उसको बोलेंगे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब आगे हम बात करेंगे कि जो ये इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा एलिस ब्लू के बारे में, जो कि इंडिया का वन ऑफ द लीडिंग डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है, जिसके थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इजीली इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग कर सकते हैं। एलिस ब्लू के ब्रोकरेज चार्जेस इंडस्ट्री में लोवेस्ट हैं, ओनली ₹50 ऑन ऑल सेगमेंट्स इंट्राडे एंड 0 ब्रोकरेज ऑन इक्विटी डिलीवरी ट्रेड्स। एलिस ब्लू में आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं और इन्वेस्टिंग के साथ साथ आप रेफरल इनकम से भी अर्न कर सकते हैं। एलिस ब्लू ने इंडस्ट्री का पहला 2-साइडेड रेफरल प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें एवरी सक्सेसफुल रेफरल पे आपको ₹500 प्लस 10% ब्रोकरेज कैशबैक मिलेगा फॉर 30 डेज, और आपके रेफरल की ब्रोकरेज का 10% लाइफटाइम कमीशन भी मिलेगा। एलिस ब्लू में आपको एल्गो प्रोडक्ट्स क्रिएट करने के लिए फ्री API का एक्सेस भी मिलता है, और एलिस ब्लू के ट्रेड स्कूल के साथ आप बेसिक लर्निंग करके अपनी इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एलिस ब्लू में अकाउंट ओपन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर विजिट कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इंस्टीट्यूशंस फॉरेन कंट्रीज में इन्वेस्ट क्यों करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं ये तीन लोग हैं, A, B and C। ए एक ऐसा बंदा है जो ग्रो करना चाहता है और उसके लिए काम भी कर रहा है। बी भी ग्रो करना चाहता है, वो बस सपने देखता रहता है कि वो कुछ बड़ा करेगा, बट उसके लिए कुछ एक्शन नहीं ले रहा। सी जो है वो ऑलरेडी ग्रो कर चुका है, अब वो कैजुअली काम को करता है क्योंकि अब उसको बहुत ज़्यादा काम करने की नीड नहीं है। तो अगर आपके पास ये तीनों लोग आएं और बोलें कि इनको कुछ पैसे चाहिए अपने बिजनेस में लगाने के लिए, और बिजनेस से जो इनकम होगी वो उसमें से आपको कुछ हिस्सा भी देंगे, अब आप सोचिए आप किसको पैसा देना प्रेफर करेंगे। ऑब्वियसली आप ए को पैसा देना प्रेफर करेंगे,
क्योंकि बी तो ग्रोथ में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आप उसको पैसे दे के कमाना तो दूर बल्कि अपने पैसे को रिस्क में डाल दोगे। और सी का काम तो अच्छा चल ही रहा है, इसके पास आपके पैसे सेफ तो रहेंगे, बट सी अपनी और आपकी इनकम को इंक्रीज करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करेगा। जबकि ए ग्रो करना भी चाहता है और उसके लिए एक्शंस भी ले रहा है, तो आपको उसके ऊपर ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा और ए से ज्यादा रिटर्न्स आने के चांसेस होंगे। ऐसे ही कंट्रीज के केस में होता है। FII जनरली डेवलपिंग कंट्रीज में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती हैं, ताकि जब वो ग्रो करेंगी तो उनके साथ साथ FII भी अच्छे रिटर्न्स कमा पाए। चलिए अब बात करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आप FII एंड DII की ट्रेडिंग एक्टिविटी कैसे चेक कर सकते हो। तो डेली बेसिस पे NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपनी वेबसाइट पे FII की ट्रेडिंग एक्टिविटी पब्लिश करती रहती है, आप यहां पर जाकर इसको चेक कर सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं कि FII और DII काम कैसे करती हैं। FIIs और DIIs इन दोनों की रिसर्च टीम होती हैं। ये रिसर्च करने के लिए एक्सपर्ट्स को हायर करते हैं, इसलिए इनकी रिसर्च बहुत अच्छे लेवल की होती है। ये कंपनीज की प्रॉपर रिसर्च करने के बाद ही उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ये कंपनी की करंट सिचुएशन और फ्यूचर पोटेंशियल का पता लगाने का काम करते हैं। क्योंकि इनकी अमाउंट बहुत बड़ी होती है, इसलिए इनको बहुत केयरफुल रहना होता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही नॉलेजेबल टॉपिक के साथ। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।